आज उनको शुभकामनाएं देते हुए मैंने एक सुझाव आग्रह के रूप में किया है कि उनको एक कमेटी बना करके जो हिंदुस्तान की अन्य विधानसभाएं जिनमें अच्छी परंपराएं हैं उन परंपराओं का अध्ययन करके और एक नए सिरे से हाउस में नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जो ढर्रे पर जो विधानसभा हम चलाते हैं बरसों से एक ही ढर्रा चलता आ रहा है, उस ढर्रे को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि अपनी बात को यहाँ रखता हाउस में उसको सरकार सुने और उसका समाधान करे, ये सुनिश्चित करने के लिए इनको एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, ये मेरा आज सुझाव था। वैसे छोटे दलों को ज्यादा समय देने की भी बात, मैंने ये भी कहा कि हाँ पक्ष और ना पक्ष दो एक तरीके से पक्षों को समय का आवंटन हो जाता है, लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं या तो अपने दल से एक चुन के आया या जैसे 8 निर्दलीय चुन के आए हैं या छोटे दल हैं उनके 3 विधायक चुन करके आए हैं, तो RLD के 1 विधायक चुन के आए हैं, RLP का 1 विधायक चुन के आए, तो उनको उनकी विधानसभा के प्रपोज्ड रेट में सबको समय मिलना चाहिए, अन्यथा क्या होगी कि एक व्यक्ति अपनी बात इस हाउस में कह नहीं पाएगा और वो अन्याय हो जाएगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी से आज आग्रह किया है और उन्होंने शायद नोट किया, तो मुझे उम्मीद है कि उसको पूरा करेंगे, एक कमेटी बना करके हिंदुस्तान की जो अन्य विधानसभाएं हैं उनकी अच्छी परंपराएं और अच्छे नियम जो बने हैं उनका अध्ययन करके बदलाव करना चाहिए। भाई साहब, आप BJP से विधायक चुने हुए हैं, अब निर्दलीय चुनाव, अब किसको सपोर्ट करेंगे BJP? देखिए, मैंने पहले दिन भी यही कहा, आज भी यही कह रहा हूँ, मैं राजस्थान की जनता के पक्ष में हूँ, मैं न किसी के विपक्ष में हूँ न किसी के पक्ष में हूँ। मेरे को निर्दलीय के रूप में हीरवाणा की जनता ने चुना है, वहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए शासन प्रशासन और विधानसभा में मेरी बात को रखूँगा और सरकार के समक्ष तथ्य और आंकड़ों के साथ में ये निवेदन करेंगे कि राजस्थान में आज सबसे ज़्यादा ज्वलंत समस्या है वो पीने के पानी की है। मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे जल शक्ति मंत्री राजस्थान से, उन्होंने कहा भी था कि पूर्वी राजस्थान अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहली कलम चलाएंगे तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर चलाएंगे। चूंकि आज मुख्यमंत्री भजन लाल जी बने, उनको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और ये 13 जिलों की 82 विधानसभा क्षेत्र की ये पीने के पानी और सिंचाई की जो योजना है उसको डबल इंजन की सरकार सबसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करे, क्योंकि भजन लाल जी पूर्वी राजस्थान से। दूसरा, सीकर झुंझुनू नागौर में यमुना का, सीकर झुंझुनू और चूरू में यमुना का पीने का पानी की योजना फाइनल स्टेज पर है, उसको भी अप्रूवल करें। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो हमारे पीने के पानी की योजना है, जल शक्ति मंत्री जी से मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि डबल इंजन की सरकार जो विशेष रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर इसमें पीने का पानी जाता है, उस समस्या का स्थायी समाधान करें। और नर्मदा जिसमें हमारा जालौर सिरोही का पानी है, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी विराज हैं, तो इनको अगर राइट पर लेगी सरकार तो राजस्थान में समाधान होगा, अन्यथा सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, हम भी मंत्री रहे, हमारी भी सरकारें रही, सरकार में रही, लेकिन जनता की आवश्यकता पीने के पानी की है, उसका समाधान समुचित रूप से और समग्र रूप से। ये तो देखिए, मतलब ये तो आप सब लोग देख ही रहे हैं, मेरा तो आग्रह है, क्योंकि अब हम निर्दलीय हैं और हम तो आग्रह ही कर सकते हैं कि राजस्थान की जनता बहुत बेताब है, क्योंकि ये खुद ही कहते थे भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप ये कुशासन है, जब कुशासन से छुटकारा मिल गया तो उसको रिलीफ भी दीजिए, तो रिलीफ के रास्ते निकालिए, जब आपका कैबिनेट विस्तार होगा जब भी आगे बात बढ़ेगी, तो हमारा आग्रह है कि जल्दी से जल्दी काम शुरू करें। नहीं सर, देखिए ये तो अभी लोकसभा में घटना घटी है और यहाँ भी अगर इस तरीके का हुआ है तो वास्तव में ये घटनाएं क्यों हो रही हैं इसका भी अध्ययन होना चाहिए। आज हमारा युवा असंतुष्ट क्यों है, युवाओं को आज रोज़गार नहीं मिल रहा है, युवा बड़ा परेशान है, उसकी परेशानी कैसे दूर हो, खाली भाषणों से तो उनका पेट भरने वाला नहीं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 35 साल से कम उम्र के 65% लोग हैं, तो उनको रोज़गार मिले ये हमारा आग्रह है, और 2 करोड़ रोज़गार देने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया रखा है, तो उस वादे को पूरा करें जिससे ये घटनाएँ बार बार नहीं घटित।